भाटापारा जिला के सिमगा विकास खंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत हथबंद में आज सरपंच तथा उच्च अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण हटवाया गया, जिसमें ग्राम पंचायत के मुखिया विद्या संजय वर्मा ने बताया कि हम ग्राम पंचायत हथबंद में जब से नव निर्वाचित सरपंच के रूप में नियुक्त हुए हैं, तभी हमने कोटवार को बुलवा कर ग्राम पंचायत हथबंद में मुनियादी करवा दी थी कि कोई भी अतिक्रमण या अवैध कब्जा नहीं किया जाएगा, परंतु मुनियादी के बावजूद ग्राम पंचायत हथबंद में 7 लोगों का अवैध कब्जा था, जिसकी 3 बार शिकायत भी की गई, पर इसका जवाब 1.5 महीने से नहीं आया, जिस कारण से हमने सिमगा तहसील में इसकी सूचना दी, जिस पर अधिकारियों ने कहा कि मंगलवार को वहां का अवैध कब्जा हटवाया जाएगा। आज ग्राम पंचायत के निर्देश का पालन नहीं करने और अपनी मनमानी करने के कारण 7 लोगों का अवैध कब्जा हटवाया गया। हालांकि अतिक्रमण हटवाने के वक्त काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि हथबंद ग्राम पंचायत में आज पहली बार अतिक्रमण नहीं हटा। ऐसे कई बार आला अधिकारियों के द्वारा वहां से अतिक्रमण हटवाया गया है। सिमगा नायब तहसीलदार ने बताया कि लगातार अतिक्रमण होने की शिकायत मिल रही थी और पंचायत से 7 लोगों को अतिक्रमण के संबंध में नोटिस भी दिया गया था। ये लोग व्यावसायिक दृष्टि से अतिक्रमण किए हुए थे, किसी का मकान नहीं हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के समय में अतिक्रमण किए हुए लोगों के द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच और अधिकारियों के साथ काफी कहासुनी हुई, मगर जैसे तैसे अधिकारी अतिक्रमण हटवाने में सफल हुए। अतिक्रमण स्थान पर सिमगा तहसीलदार हरिशंकर पैकरा, नायब तहसीलदार यशवंत राय, राजस्व विभाग के अमला RI पटवारी, सरपंच प्रतिनिधि संजय वर्मा, ग्राम पंचायत हथबंद सचिव पुलिस चौकी हथबंद और अन्य कर्मचारी गण मौजूद रहे। मेरा नाम विद्या संजय वर्मा है, सरपंच प्रतिनिधि हथबंद। जी, ग्राम पंचायत में सर हम जब सरपंच बने तो सबसे पहले हम कोटवार को बुला के बुनियादी करवाए कि हमारे कार्यकाल में किसी को कोई अवैध कब्जा नहीं करना है, और अवैध कब्जा करने पर सबके ऊपर कार्रवाई होगा, इसलिए आप अवैध कब्जा मत करे करके हम 3-3 बार पटवार से बुनियादी करवाए। हाँ, जितने लोगों को नोटिस दिए उतने लोगों को ऊपर कार्रवाई हुआ है। नोटिस करीब 7-8 लोगों को दिया गया। नोटिस सबसे पहले हम 1.5 महीना पहले दे चुके थे, उसके बाद 1 महीना पहले और नोटिस दिए, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग तहसीलदार साहब पैकरा जी के पास और नायब तहसीलदार साहब यशवंत सर के पास गए, तो हमको मंगलवार को आज कार्रवाई करने का आश्वासन दिए और वो पहुँचे पूरे दल बल के साथ। लगातार ग्राम में अतिक्रमण के संबंध में शिकायत प्राप्त हो रहा था, पंचायत द्वारा नोटिस दिया गया और पंचायत के तो 7 घर को जो व्यावसायिक दृष्टि से जो अतिक्रमण करते हैं उनको हटाया गया, किसी का मकान वकान को नहीं हटाया गया, केवल व्यावसायिक परिजन का जो अतिक्रमण होता है उसी को हटाया गया।